पकड़ लेगी, भागो रे। ऐसे पिसा रहा है ना, देखिए पकड़ेगा। देखिए जो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को राहुल ज्योति ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और खुश होंगे। तो दोस्तों अभी टाइम शाम की 3 बज रही है, तो हम लोग जल्दी ही बना लेंगे सवेरे। देखिए जानू रो रही है, जैसे कि पूरा शाम हो जाता है इधर, फिर अंधेरा हो जाता है दोस्तों, इसलिए शाम का खाना जल्दी बना लेंगे हम लोग, है ना। चुप कीजिए ना। तो दोस्तों आज हम लोग कोहंडा का चटनी बनाएंगे। देखिए देसी स्टाइल में कैसे बनाएंगे, आई मीन कोहंडा पत्ता का, उसका पत्ता का चटनी बनाएंगे। जो पत्ता रहता है ना उसको, हाँ उसको उबालेंगे। कैसे चटनी बनाएंगे ज्योति जी, देखिए है ना। तो चलिए पहले पत्ते ला लेते हैं, है ना ज्योति जी। आप तब तक चूल्हा जलाइए, ठीक। हम पत्ता लेकर आते हैं, जो कि हम ही लोग का यहाँ पे करकट पे ऊपर में है ना। कोई दूसरा कोई रोपा है तो उन्हीं लोग का है, तो दूसरा कोई लगाया कोहंडा का लार, उसी में पत्ता है, तो उसी को तोड़ेंगे। जानवी देखिए फिर खाई, कुछ भी खा जाती। तो चलिए तोड़ के आते हैं पहले दोस्तों, है ना। इधर से चढ़ेंगे, चढ़ने वाला है मिशन। देखिए दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, वो जो है वहां पे देखिए, इधर है पत्ता है कितना सारा, उसी का पत्ता तोड़ेंगे 5-6, जितना भी लगेगा, ज्यादा नहीं बनाएंगे वैसे भी। तो चलिए तोड़ लेते हैं पहले, देखिए कितना सारा पत्ता है ना। देखिए देखिए है ना, कितना मस्त, कितना मस्त व्यू। इधर से एक बार व्यू नजारा सभी दिखा देते हैं चारों तरफ का, है ना। देखिए कितना मस्त नजारा है, हरियाली हरियाली। और इधर दिखा देते हैं आप लोगों को, देखिए कितना हरा भरा है हम लोग का गांव, है ना। उधर आलू उलू लगा रहे हैं लोग। देखिए इस तरह से तोड़ेंगे, देखिए इस तरह से तोड़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए तोड़ रहे हैं, है ना। ज्यादा पत्ता नहीं तोड़ेंगे, हो जाएगा हम लोग का, थोड़ा सा चटनी बनाना है सिर्फ। देखिए इस तरह से तोड़ रहे हैं, देखिए तोड़ रहे हैं, है ना। और देखिए दोस्तों ज्योति जी क्या कर रहे हैं, नीचे में है, जानवी भी नीचे है, आग जला रहे हैं इन लोग अभी, है ना। हम तोड़ लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों देखिए तोड़ लिए है ना पत्ता, अब इसको नीचे लेके चलते हैं, है ना। तो तोड़ लिए पत्ता को, और मेरी जानवी देखिए नीचे मेरे पास आना चाह रही है, देख रहा होगा आप लोग को। जानवी आओ, हंस रही दोस्तों, देखिए आजा 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 आएगी, आओ 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 आएगी, आओ आ रहे हैं, हम ही नीचे आ रहे हैं, ठीक। देखिए उधर चूल्हा जोड़ लिए हैं ज्योति जी, पानी भी चढ़ा दे रहे हैं इसको पहले गरम करके, पत्ता को गरम करके पहले, इस पत्ता है ना इसको पूरा गरम से मतलब भापना पड़ेगा, है ना। तो चलिए भापते हैं नीचे दोस्तों। देखिए ज्योति जी धो रहे हैं पत्ता को, है ना। अभी पत्ते को धो के लेके आएंगे, फिर इसमें डालेंगे, तो गरम पानी में पूरा वो सीज जाएगा पत्ता, है ना। उसके बाद हम लोग उसका चटनी बनाएंगे, है ना। देखिए दोस्तों ज्योति जी पत्ते को डाल रहे हैं, है ना। इसको ढक दीजिए और पानी डालते नहीं तो फिर, और जानवी का धुआं लगा इसीलिए रो रही है, क्या और जाएगी वहां पे। देखिए ढक दे रहे हैं ज्योति जी, है ना। तो इसको अब कम से कम 10 मिनट रहने देते हैं, पूरा वो गलेगा भाप से पानी से, है ना। तो आप लोग देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए अभी उघार के देखें तो देखिए डबक रहा है ना, कितना अच्छा डबक रहा है, देख सकते हैं पूरा सीज रहा है ये पत्ता, अच्छे से सीज जाए उसके बाद निकालेंगे इसको। और मेरे जानवी देखिए बार बार वो उठा के खा जाती है दोस्तों, धूरा उरा मारने गई है उसको, पटरू को मारने गई है। देखिए चलो आ जाओ इधर आ। देखिए ज्योति जी देख रहे हैं, चेक करके देख रहे हैं, है ना, देख सकते हैं आप लोग, अच्छे से चला दे रहे हैं ताकि अच्छे से सीज जाए। तो चलिए सिझा लेते हैं पहले, और सीज रहा हम लोग का ये, थोड़ा सा बाकी है, देखिए मस्त से डबक रहा, और सिझा लेते हैं इसको पूरा, अच्छा से सिझा लेंगे तो फिर वो पीसने में अच्छा दिक्कत नहीं होगा, है ना। और जानवी देखिए अभी अभी धूरा खाएगी अभी,
देखिए धूल को उठा रही है। पकड़ लीजिए भगुन रे। दोस्तों देखिए पूरा वो हो गया, सीज गया हम लोग का पत्ता है ना। अब उसको निकाल लेते हैं, देखिए ज्योति जी निकालेंगे कैसे है ना। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं पहले अच्छे से। ज्योति जी अच्छे से निकाल। हाँ इसी तरह से नहीं पड़ेगा। देखिए ज्योति जी निकाल रहे हैं है ना। और इधर हम लोग का पार्टी अभी धो के लाए, पूरा गंदा था दोस्तों तो उसको धो के अभी लाए है ना। जानवी उधर चल गई। तो देखिए निकाल लिए हम लोग, देखिए किस तरह से कलर है इसका। अब चलिए इसको पीसेंगे और हम देखते हैं जानवी किधर गई है ना। ए जानवी देखिए दोस्तों अंदर आ गई किस टाइप से, कहां से अंदर आ गई। हंस रही है हाँ? ए, उठो उठो चलो इधर आ, इधर आ। देखिए दोस्तों देखिए भागती है किस टाइप से। इधर 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 इधर। देखिए दोस्तों कहाँ घुस गई है ना। अब इसको पकड़ के लेके चलते चलो अपने चलो। देखिए दोस्तों चल रही है जानवी आप लोग की दुआ से है ना। तो चलिए अब उसको पीसेंगे है ना। तो देखिए दोस्तों ज्योति जी अब पीसना स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए पीस रहा है। देखिए कुछ नहीं खाएगी वहाँ पे, उधर उधर जानवी है अभी। देखिए अच्छे से पिसा रहा है ना। देखिए मस्त पिसा रहा है दोस्तों, चटनी पूरा अच्छा से एकदम मजेदार से पिसा रहा है ना। तो इसको अच्छे से पहले पीस लेते हैं हम लोग फटाफट, इतना सारा है ना, इसको पीस लेते हैं। हो रहा है। देखिए दोस्तों अब थारी में रख दे रहे हैं इस तरह से। देखिए इतना सुन हुआ है इतना सा। अब इसी तरह से सारे पीस लेंगे है ना। ज्योति जी पीस रहे हैं, देखिए कितना मस्त दिख रहा है हम लोग का चटनी। देखिए है ना। अरे नहीं जानवी, जानवी यहाँ से गिरेगी तो सीधा खाई में जाएगी, पटरू के पीछे नहीं रहना। इधर आओ चलो आओ, यहाँ बैठ के खेलो, यहाँ बैठो बैठो। तो दोस्तों हो गया है पीसा हुआ ज्योति जी का, जो कि करीब 15 मिनट लग गया है ना ज्योति जी। 15 मिनट लग गया पिसने में। ज्योति जी का हाथ भी पूरा वो हो गया, धर लिया। और हम तब तक लहसुन इधर छुड़ा लिए थे देखिए है ना। तो अब इसको निकाल लेंगे, रखिए थारे में रखिए। दोस्तों अब ज्योति जी तेल डाल रहे हैं कढ़ाई में ताकि गर्म हो, पहले गर्म होने देंगे है ना। बस 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 इतना है। देखिए तेल अब हम लोग का गर्म हो गया है ना, तो गर्म होने देते हैं। उसके बाद ये है इसमें कूटे हैं लहसुन सो और मिर्चा है सूखा हुआ, 2-3 बचा हुआ था उसी को डालेंगे है ना। तो दोस्तों तेल गर्म हो गया, देखिए देखते हैं मिर्चा डाल के देखें। देखिए जो 3-4 मिर्चा बचा हुआ था उसी को डालें। अब लहसुन को डालते हैं, लहसुन को डालिए ज्योति जी। हाँ देखिए कितना अच्छा से डाल दिए। देखिए लहसुन डाल दिए, अब इसको अच्छे से भून लेते हैं। देखिए दोस्तों ज्योति जी अब डाल रहे हैं तेल में, पूरा जल गया लगता है ना। देखिए कितना अच्छा से बन रहा है, अच्छा सेंट आ रहा है अभी, एक नंबर। दोस्तों आप लोग के तरफ अगर कोहड़ा का पेड़ होगा यानी कि कोहड़ा का पौधा होगा तो उसका पत्ता का इसी तरह से चटनी बना के देखिएगा, बहुत टेस्ट लगता है। हम मेरे घर के बगल में कोई बनाए थे तो ज्योति जी उन्हीं से लिए थे, तो हम खा के देखे तो बहुत टेस्टी लगा था, इसके लिए हम लोग भी बनाए है ना ज्योति जी। नमक भी डाल दिए। तो चलिए हम लोग का रेडी हो गया बन के है ना। दोस्तों देखिए बन के रेडी हो गया हम लोग का वो चटनी। तो इसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं तेल को और अभी छनकाएंगे पूरा, क्या बोलते हैं वो रसम से, कोयले के रसम से। देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। देखिए ज्योति जी जिस तरह से छनकाएं। तो हम लोग का साग पूरा कंप्लीट बन के तैयार हो गया है दोस्तों। अब हम लोग भात बनाएंगे, उसके बाद हम लोग भी खाना खाएंगे। आप लोग क्या क्या खाएं रात का खाना कमेंट में जरूर बताएं है ना। और अगर चटनी अच्छी लगी होगी तो लीजिए आप लोग भी खा लीजिए, आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं है ना। तो भात चढ़ाइए ज्योति जी है ना जल्दी। दोस्तों देखिए हम लोग अदहन भी चढ़ा दिए हैं
चावल बनाने के लिए हम लोग भात बना लेंगे, है ना। तो पूरा अंधेरा होते जा रहा दोस्तों, इसके लिए हम लोग नहीं दिखा पाएंगे रिकॉर्डिंग में, तो इसके लिए सॉरी, क्षमा कीजिएगा। देख सकते हैं दोस्तों पूरा एकदम हम लोग का फेस क्लीन नहीं आ रहा होगा अब, पूरा अंधेरा होते जा रहा। तो दोस्तों आज की ब्लॉग वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके और वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। तो दोस्तों रिक्वेस्ट हम लोग को, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, हम लोग की विनती है, आप लोग से उम्मीदें रहते हैं, एक एक कमेंट हम लोग के लिए बहुत मोटिवेशन और बहुत जुनून मिलता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। आज की ब्लॉग वीडियो यहीं तक रखते हैं। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय बोल दो जानवी। बाय बाय दोस्तों बोल दो। बाय बाय बोल दो। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों। ताली ठोक दी है।